देखिए डोडा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आज तक इंस्टीट्यूट जो ड्राइविंग शूट हमारे काम कर रहे थे वो भी एक हेल्प कर रहे थे सोसाइटी को, लेकिन ये हमारे पास एक एडवांस टेक्नोलॉजी जो सिमुलेटर है हमारे लाइट कमर्शियल लाइट मोटर व्हीकल के लिए और हैवी मोटर व्हीकल लीजिए और सलमान ड्राइविंग शूट ने जो इंस्टॉल किए हैं और जिनका आज विधिवत तरीके से हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर साहब ने इनकी इनॉग्रेशन की है, इसको शुरुआत करवाई है। ये बहुत बड़ा एक फ़ायदेमंद लोगों के लिए जहाँ साबित होगा ये एडवांस टेक्नोलॉजी जहाँ पर इंस्टॉल की गई है, जो क्योंकि ये पूरा पूरा हिली एरिया है, हिली टेरेंस हैं और ख़ासकर जहाँ पर प्रॉपर ड्राइविंग सीखने के लिए भी ऐसे रोड ऐसा कोई ग्राउंड या कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है जहाँ पर जो हमारे लर्नर हैं वो प्रॉपर तरीके से कहीं ड्राइविंग सीख सकें। तो ये बहुत बड़ा इन हाउस में सारी की सारी ट्रेनिंग जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सारी ट्रैफिक नियम एक प्रोजेक्टर के ऊपर एक फिल्म के ऊपर रोड सेफ्टी फिल्म दूसरी चीज़ें सारी और जब वो एप्लीकेंट्स जो लर्नर है इस सिमुलेटर के ऊपर 10 दिन 5 दिन हफ्ता 15 दिन जिस ढंग से उसका वो सीखने का एक माइंडसेट होता है हर एप्लीकेंट्स का अलग अलग उस ढंग से जब वो एक अच्छी तरह से उसको कॉन्फिडेंस तैयार हो जाएगा पूरा जानकारी होगी ट्रैफिक रूल के बारे में सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में और सारा वो प्रैक्टिकली ऐसे रोड पर गाड़ी चलाते हैं ऐसे वो सिमुलेटर के ऊपर वो जब चलाएगा उसको इस्तेमाल करेगा तो पूरा उसको कॉन्फिडेंस आने के बाद जब 60-70% वो तब पूरा उसको कंप्लीट कॉन्फिडेंस होगा तो उसके बाद जब उसको रोड पर लिया जाएगा फाइनली उसको पास आउट करने के लिए सिखाने के लिए तो एक बहुत बड़ा ये होता है कि जैसे सीधे अगर रोड पर ले जाएंगे तो एक एक्सटेंड प्रॉन साबित होते हैं कई बार लर्नर और कई बार हादसे भी हो जाते हैं और ये बहुत बड़ा फ़ायदा जहाँ के यूथ को जहाँ के जितने भी लर्नर हैं आने वाले टाइम में हर बच्चा गाड़ी सीख रहा है तो मैं सभी से कहूँगा कि ऐसी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लें ताकि आने वाले टाइम में जितने भी रोड यूज़र हैं हमारे वो एक सेफ रोड यूज़र रोड के ऊपर जाके प्रूव हों और जहाँ की जितने भी रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या जितने भी ट्रैफिक नियम हैं उनका जो जानकारी हर रोड यूज़र को नहीं है तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा साबित होगा जहाँ के लोगों को और ये ट्रैफिक के नियम ट्रैफिक एजुकेशन रोड सेफ्टी एजुकेशन एंड बेस्ट ड्राइविंग स्किल्स सीखने के लिए बहुत एक कारण साबित होगा ये ड्राइविंग शूट। मेरा नाम जाकिर हुसैन है, मैंने जो ये सिस्टम लाया सलमान उस्मान डिजिटल ड्राइविंग स्कूल देसा रोड पे है आप डोडा वालों के लिए मैंने बहुत बड़ा तोहफा लाया है। ये फॉरन सिस्टम है, यहाँ पे मशीनें हैं जो मशीनें थ्रू हम जनाब अली लोगों को ड्राइविंग सेफ ड्राइविंग सिखाते हैं क्योंकि अगर डायरेक्ट हम बाहर जाएं तो हादसे का खतरा होता है, इसलिए हम 15 दिन उनको यहाँ पे अंदर सिखाते हैं क्योंकि खतरे से दूर रहे एक्सीडेंट से दूर रहे एक्सीडेंट से बचे रहे। अंदर जो है वो 60% वहीं पे तैयार हो जाता है इंसान, 60% के बाद 40% हम उसको रूट पे तैयार कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा जरिया है, लोग तो तारीफ कर रहे हैं इस वक्त क्योंकि यहाँ पे लर्नर भी पास हुए, यहाँ पे लाइसेंस भी हमारे जो स्टूडेंट हैं वो लाइसेंस भी कामयाब हो गए देने में। जनाब अली ट्राई जो है वो बहुत अच्छी, यहाँ से जब निकलता है बाहर वो बहुत अच्छी ट्राई देते हैं। ये देखिए बहुत ही एक हम सब के लिए खुश नसीबी की बात है, खुशखबरी की बात है कि डोडा जैसे हमारे दूर दराज के इलाके में भी जो स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग मशीनरी है वो भी जो है वो हमारे जो रेसिडेंट्स हैं उनके माध्यम से पहुँचती है। आज मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ जो हमारे सलमान उस्मान ड्राइविंग मोटर ड्राइविंग स्कूल के जो ये जो इनके डायरेक्टर है या इनके जो ओनर है कि एक सिमुलेटेड ड्राइविंग मशीनरी जो डिजिटल पूरी मशीनरी है वो उन्होंने यहाँ पे लाके प्लेस की है ताकि जो आप जानते हैं कि डोडा जैसा हमारा इलाका जो है जो एक्सीडेंट प्रोन है जिसमें ड्राइविंग बहुत अच्छी तरह से सीखना बड़ा ज़रूरी होता है तो ये जो सिमुलेटेड हमारी मशीन्स हैं वो उसमें हेल्पफुल साबित होगी ताकि रोड पे उतरने से पहले जो ट्रेनर्स हैं उनको अच्छी तरह से पहले ड्राइविंग जो है वो सीखे और फिर रोड पे वो उतरे अच्छी तरह से। इसमें हाँ वही है कि एक तो देखिए एक तो पब्लिक सेफ्टी भी है और दूसरा खुद जो ड्राइवर चलाता है उसकी भी सेफ्टी है, इसीलिए पहले जो है वो ऑब्वियसली रिकमेंडेड है कि आप कहीं पे सिमुलेटेड एरिया में करो या फिर कंट्रोल जगह पे करो या फिर ऐसी जगह पे करो जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है और फिर जो है वो बाकायदा आप परमिशन के साथ में जिस तरीके से कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है उसी के साथ ही लर्नर्स को आप रोड पे उतारिए और वो भी जो है भीड़भाड़ के इलाके में नहीं उतारना आपको चाहिए। तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये सारे सिमुलेटेड तरीके के टेस्ट जो है वो पहले किए जाएँ इनसे। ठीक है, मैं आपको बताता चलूँ कि रीजनल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़म और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी किस तरीके से स्ट्रॉन्ग हो डोडा में
उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत भारी प्रायोरिटी रखती है। आप जानते हैं कि रेगुलरली जो है वो इनके रिव्यूज़ हो या फिर रोड सेफ्टी के हवाले से जो जो चीज़ें करनी ज़रूरी है, ना ही सिर्फ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, लेकिन ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो या फिर PWD हो या फिर NHIDC, उनके साथ मिलके किस तरीके से हम डोडा को एक्सीडेंट फ्री करें या फिर सेफ करें, इसके तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देके रखी हुई है। इस विषय में भी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो उनको हिदायत दी गई है कि आप इवॉल्व करते रहें और किस तरीके से आप एक बेहतर सेफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म डोडा डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश करें, इसके लिए प्रयत्नशील रहें। बहुत ही खतरनाक है, मैं उनके सारे पेरेंट्स से अपील करना चाहूँगा कि अंडर एज बच्चों को बिल्कुल आप जो है वो गाड़ी जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको ना दे, चलाने की परमिशन ना दे। ऐसे अगर बच्चे जो है वो इलीगल तरीके से गाड़ी चलाते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, कई मैटर्स में जो है वो करियर में भी जो है बात आ सकती है। इसीलिए इस तरीके से बिल्कुल खतरा न मिले और सबसे इम्पोर्टेंट जो है उनकी खुद की जान जो है उसमें जोखिम में वो लोग डालते हैं, तो उससे जो है वो